केशव को गेनिंग करनी है, डोसा खा लिया दो भाई साहब। गेनिंग ऐसे होती है, ऐसे गेनिंग नहीं होती, दो दो डोसा खा रहे हो, डाइट पी रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ये वाला व्लॉग लास्ट वाले व्लॉग से काफी ज्यादा गैप के बाद शूट कर रहा हूं, पता नहीं मैं बहुत बिजी था शूट करना। अभी मॉर्निंग कार्डियो फिनिश किया, अपने अंडे, अपना ब्लूबेरी शेक रेडी है। और मुझे ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद आई कि लॉकडाउन में मैं हर बार व्लॉग बना रहा था और ये सोच रहा था अब से मैं डाइट करूंगा और तीसरे चौथे दिन पर मैं कुछ खा लेता था। लेकिन अब मैं प्रॉपर डाइट कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या? तो रीज़न मैंने फाइंड आउट किया, जब तुम्हारी ज़िंदगी में गोल सेट हो जाता है ना, जैसे मेरी ज़िंदगी में गोल सेट हो गया कि 1 मार्च को कुछ बड़ा दिखाना है, इंस्टाग्राम पर आएगा तो आप लोग देख लेना। तो जब गोल सेट हो जाता है ना तो इंसान झक मरा के डाइट करता है। तो मैंने बोला अब तो करनी पड़ेगी और अभी सो फार सो गुड, अच्छा चल रहा है। 1 मार्च का टारगेट है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है 1 मार्च को मेरे इंस्टाग्राम पे। सो फिलहाल के लिए अंडे खाते हैं और आज हम ट्रैवल करने वाले, तो सारी डिटेल्स बाद में बताते हैं, पहले भूख लगी है बिकॉज कार्डियो हो चुका है 35 मिनट्स। टाइम की बहुत कमी है, इसके लिए पहला मिल लेके वापस मैं जिम जा रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा वर्कआउट छूट जाए। मुझे पता है कि अगर मैं सोचूंगा वहाँ जाके वर्कआउट करूँगा तो वो होने वाला नहीं है। रात में 8:30 बजे की फ्लाइट है, पहुँचते 10 बजेंगे और उसके बाद क्या होने वाला मुझे नहीं पता। इसके लिए मैं अपने वर्कआउट को मिस नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी रेस्ट ले लिया था, कल मैं शॉपिंग करने गया था। ये ना ट्रैवल करने के टाइम देखो इतना सारा शॉपिंग करना पड़ा। जो पूरा बाइसेप वर्कआउट था ये मैंने अपनी ईबुक में से फॉलो किया था और इंस्टाग्राम पे मैंने ये स्टोरी डाली थी, तो सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई बाइसेप के लिए कौन सी ईबुक है। ये ईबुक एक्चुअली बाइसेप के लिए नहीं है, मेरी एक ईबुक है द ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट। अगर आप लोग में से किसी ने बाय करी होगी तो उसको ये वर्कआउट देख के समझ में आ जाएगा बिकॉज अभी मैं 5 to 8 week वाला बाइसेप ट्राइसेप वर्कआउट कर रहा था। वो ई बुक में 12 weeks का वर्कआउट प्लान है, 12 weeks का डाइट प्लान है, 3 अलग अलग तरह के वर्कआउट प्लान है, 3 अलग अलग तरह के डाइट प्लान है। तो अगर आप में से किसी को परचेज करनी है तो नीचे लिंक दी हुई है और उस पर 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो नीचे लिंक देख के आप लोग परचेज कर सकते हो। और मैं भाग रहा हूँ शेविंग करवाने और मेरे नेल्स कट करवाने बिकॉज आप लोगों को पता है मैं नाखून, पता नहीं यार ये कब सुधरूंगा मैं, मुझे नाखून काटने से बहुत डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई। कभी आज तक के मैंने अपने नाखून खुद काटे ही नहीं है, शायद एक आध बार मजबूरी में काट लेंगे। लैपटॉप ले लिया, प्रोटीन शेक ले लिया, शेकर ले लिया, कपड़े ले लिया, चार्जर ले लिया, नहीं चार्जर नहीं लिया, हाँ चार्जर ले लिया, कैमरा ले लिया, लैपटॉप का चार्जर ले लिया, ये याद दिलाना पड़ता है जब जाने से पहले। और बाय द वे फुल बैग पैक है और मील्स भी ले लिया तो, लेकिन अभी तक पोस्ट वर्कआउट नहीं कराया। आज मैं जा रहे हो बताओ, बैग बताओ ये देखो फौज में जा रहे भाई, आज आज फटाफट देखो ना, साहिल भाई के लिए फौज ही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, क्या बोलता है रोहित केशव, एकदम सही बोला। हाँ तो अभी हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट, फौज में जा रहे हो तुम, फौज में जा रहे हैं। इसमें भाई का रखा है बहुत सारा सामान, भाई का क्या रखा है ऐसा नहीं बोलते, भाई का क्या रखा है वो सामान, सामान प्रॉपर बोलो, भाई का रखा है कुछ भी, भाई सुनेंगे भाई भी मारेंगे। भाई की डिमांड देख रहे हो, बोले हमको तो बिजनेस क्लास ट्रैवल करना है। अब इंडिगो में बिजनेस क्लास कहाँ से लाए, तो बोले नहीं हमको एक्स्ट्रा लेगरूम वाली चाहिए। मैं क्या करूँगे नहीं बताओ, खर्चा करवा दिए। उसके बाद जुनैद भाई ने एक्स्ट्रा देकर हमें एक्स्ट्रा सीट मिली। भाई क्या करें, डिमांड है एक्स्ट्रा लेगरूम चाहिए, मेरा बैग सबसे फास्ट आना चाहिए, महंगा पड़ गया लड़का मेरे को, एक तो उसको लेके भी आया ऊपर से यहाँ खर्चा भी करवा दिया, सही है भाई। लेकिन 6:10 और फ्लाइट है 8:30 की, इतना जल्दी मेरी जिंदगी में मैंने कभी एयरपोर्ट नहीं आया, लेकिन आज सिर्फ इसके लिए आया हूँ बिकॉज कोविड की वजह से कुछ नहीं पता कि ये लोग क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लास्ट मोमेंट पे चेंज कर रहे हैं। इसके लिए मैं फटाफट आ गया कि भाई अपने वो फ्लाइट नहीं मिस करने गए क्योंकि रोहित केशव भाई का क्या पूरा इंदौर वेट कर रहा है, कब से मेरे को फोन आ रहे हैं, ऐसा हो जाए कब से फोन आ रहे हैं, रोहित भाई कब आएंगे कब से फोन आ रहे हैं। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। और ये देखिए जुनैद भाई का साइज इतना ज्यादा पड़ गया है कि इनको जैकेट फिटिंग में नहीं आ रही है,
और इन्होंने भी फिलहाल कोई शॉपिंग नहीं करी क्योंकि जैकेट अपने घर पे भूले इंदौर में है बहुत ठंड था एक्चुअली, लेकिन भूल गया अभी ठंडी है इंदौर में, गए गए मैं भूल गया, मैं सोच रहा था ना कि क्या भूला अभी व्लॉग में बताया था, तो वॉलेट भी भूल गया था, वो तो याद आ गया टाइम पे ले लिया, लेकिन जैकेट नहीं मिल रहा, साइज ढूंढ रहा हूं। इतना ज्यादा गेन हो गया है 106 अभी तो 3 किलो कम हो गया 109 वेलक्रो वन राइट आई आई थिंक वेलक्रो वन कहीं और ट्राई करना है क्या जैकेट अभी दिखा देते हैं उनके पास में अगर होगा तो ट्राई करके देखते हैं लेट्स सी ये आता है या नहीं इनको ये भी सेम डबल एक्सेल है ये सबसे बड़ा तकलीफ है क्लीनिंग पे जाने का, बट अभी कटिंग चालू कर दिया और कुछ आ रहा है 1 मार्च को, देख लेना। इतना अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट को पूरा भरा भरा देख के, मैं आया था मेरे ख्याल से अक्टूबर में आया था, निखिल की जिम की ओपनिंग करने गया था जब मैं चंडीगढ़, सब बंद पड़ा था सब, बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरा एयरपोर्ट खुल गया है और केशव कश्यप सब हमारे। मैं साइज ज्यादा इसलिए गेन नहीं करता, देखा ना अभी आपको शॉपिंग करने का और कुछ नहीं मिला, झूठे ऐसा बोलो तुम्हारे से होता नहीं है ये बोल ये भी बोल, साइज गेन करना हलवा थोड़ी ना, गेन करके दिखाओ। कल रात में मैं बैठ के सोनी लाइफ पे एक सीरीज देख रहा था जिसका नाम है श्रीकांत बशीर, बहुत ही अमेजिंग सीरीज है, अगर आप लोग सोनी लाइफ पे जाके देखना चाहते हो तो देखना, लेकिन मेरी इतनी गंदी वाली फट रही है ना बिकॉज उसके अंदर में एक इबोला वायरस था जो एक नाइजीरियन के अंदर में किसी ने डाल दिया था, और मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और यहाँ कैफे में मेरे सामने देख रहे हो वायरस वायरस आ गया तो अपने तो लग जाएंगे, वैसे ये वो लोग वो समझ पाएंगे जो वो सीरीज़ देख रहे, तो अगर आपने नहीं देखी तो देखो, श्रीकांत बशीर इज़ एन अमेजिंग एक्शन ट्रेलर, I love action trailers, मुझे बहुत पसंद है। केशव को गेनिंग करनी है, डोसा खा लिया है भाई साहब, गेनिंग ऐसे होती है, ऐसे गेनिंग नहीं होती, दो दो डोसा खा रहे हो डाइट पी रहे हो कैसे चलेगा सर? अब इसके बाद मैं करूंगा कट डाउन, पहले सोच रहा हूं कट डाउन ऐसे ही होता है, सुनो जो खाओगे वो निकालोगे, ये खाओगे तो यही बाहर निकलेगा, ये खाओगे तो कुछ रह जाएगा, इससे मसल्स बनती है, उससे क्या बनता है, इससे मूड बनता है, मूड बनता है, बनाओ मूड बनाओ फिर साइज मत बनाओ। ये देखो भाई साहब की एक्साइटमेंट देखो, मुझे पूरा टाइम बोल के रखे गेट 42A है और मैं बैठा हूँ गेट 42A मैं 42 के सामने ही बैठा हूँ, मतलब यार बोर्ड क्यों नहीं चेंज हो रहा है, अब मैंने खुद बोर्डिंग पास देखा देख रहा हूँ 45 बच्चा 45 लिखा है भाई, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ, है टाइम है होपफुली तो मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो क्या है कि मैंने तो बिजनेस क्लास में अपग्रेड जाएगा, मैंने बिजनेस क्लास में अपग्रेड किया नई टिकट ये निकालेगा फाइनल कॉल पे चला गया डोसा गया इसके लिए उल्टा नहीं खाने का भाई। हाँ कैसा रहा सफर? सफर थोड़ा सा बोरिंग रहा, मैंने तांडव सीरीज जो डाउनलोड कर ली थी पर हेडफोन्स भूल गया बताया मैं, सो समझ रहे हो सीरीज डाउनलोड कर ली लेकिन हेडफोन भूल गए, और वो जो 3 सीट पे अकेले आप बैठे थे उसका तो मजा ही कुछ अलग था, कोई और होता तो और अच्छा लगता एकदम, और देख रहे हो सबसे पहले प्लेन में बाहर निकले भाई और इनका बैग भी सबसे पहले आने वाला है, वीआईपी गेस्ट है हमारे, हाथ पैर दबा दूं बस इनकी वजह से तो अभी बॉम्बे में रहते हम। तो मेरे भाई क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष भाई ने मेरे लिए केक लाया है, इन्होंने कवलजीत को कॉन्टेक्ट करके एयरपोर्ट पहुँच गया, थोड़ा थोड़ा क्या है क्या करना है इसका? वी वोंट कट, वी विल जस्ट, अच्छा हम लोग काटते नहीं जा रहे तोड़ते इसको वीडियो बना लो पकड़ो, क्या करना है इसको, इसकी फोटो ले लेते हैं, चलो क्या करना है पहले तोड़ देना जी सर, भाई उड़ेगा तो भाई बम्पर तो नहीं जाएगा, नहीं नहीं मेरे दोस्त ने एक बार मारा था गाड़ी पे डेंट आ गया था, नहीं नहीं उड़ा ना लाइट अरे आप खाइए मैं डाइट पे, वैसे तो मैं डाइट पे हूँ लेकिन आयुष ने होममेड हैंडमेड बनाया तो बनता है, बहुत बढ़िया केक है,
आप ये बिजनेस करते हो? सुपर केक है, आई विश कि मैं ज्यादा खा पाता हूँ, एक बाइट तो और खा लूंगा। वीआईपी गेस्ट खाओगे? इनको तो कुछ भी दे दो, मसाला डोसा खा के आई अभी, मसाला वो भी दो, इनका वाला नहीं, जो भी लो दो लो, जो भी लो दो लो। तो इट वॉज अ फैंटास्टिक डे, आज बहुत दिनों के बाद में व्लॉगिंग करने के लिए मजा आया, बिकॉज एक सिटी से जब दूसरी सिटी में जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है शूट करने के लिए, और आज शूट करने का मजा अलग ही था। अब कल ओपनिंग का दिन है, अभी मैं साहिल भाई के साथ बैठा था लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि यू नो जब एक अच्छे कोई सेंसिबल बातें चल रही है वहाँ पे अगर व्लॉगिंग वगैरह चालू करो तो समझ में नहीं आता है, तो मुझे लगा कि इट्स नॉट अ राइट टाइम टू टेक अ कैमरा आउट देयर एंड शूट। सो कल ओपनिंग डे कोशिश करूंगा कि कल का भी व्लॉग शूट कर सकूं, अगर शूट कर पाया तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं शूट कर पाया तो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे देख लेना, रियली सॉरी अगर नहीं शूट कर पाया था, बट कोशिश ज़रूर रहेगी। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं तक रखते, होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाना, जाते जाते शेयर करना, और इस व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा वो कमेंट करके प्लीज़ बताना, दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का भाग। Oh, yeah. Oh, yeah.